और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पत्रकार दुर्ग सिंह से जुड़ी हुई। पत्रकार दुर्ग सिंह जिन्हें SC ST के मामले पर पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया था, दुर्ग सिंह राजपुरोहित को जमानत मिल गई है। काफी ये सुर्खियों में मामला रहा था। इंडिया न्यूज के संवाददाता है बाड़मेर के, पटना में दुर्ग सिंह को जमानत मिल गई है। 5,000 के निजी मुचलके पर पत्रकार दुर्ग सिंह राजपुरोहित को जमानत दी गई, क्योंकि ये मामला शुरुआत से ही काफी फर्जी मालूम पड़ रहा था, क्योंकि जो केस करने वाला है वो कहीं सीन में नजर नहीं आया। SC ST एक्ट में बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया था। शिवपूजन झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे बिहार के ब्यूरो चीफ। शिवपूजन जी, पत्रकार दुर्ग सिंह को जमानत मिल गया, लेकिन अभी भी कई सारे सवाल खड़े हैं कि आखिरकार जो गुनाह दुर्ग सिंह ने किया ही नहीं, उसके लिए दुर्ग को जेल क्यों जाना पड़ा? हम कह सकते हैं जीत की पहली सीढ़ी है, और कहीं ना कहीं कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया इन तमाम बातों का कि ना तो शिकायत करता है वो इस बात पर कायम है कि उसके साथ वास्तव में कोई मारपीट हुई, ना ये साबित हो पाया कि दुर्ग सिंह कभी पटना आए थे। तीसरी सबसे अहम बात ये कि केस दर्ज कराने में 17 दिन की देरी आखिर क्यों क्यों ये आफ्टर थॉट है, क्या ये पूरा का पूरा केस जो है दर्ज किया गया है? इन तमाम पहलुओं पर कोर्ट ने गौर किया और गौर करने के बाद 5,000 के निजी मुचलके पर दुर्ग सिंह को जमानत मिल गई। थोड़ी देर पहले हम उनके वकील से बात कर रहे थे, उनके वकील का कहना है कि केस के बाद वो डिफेमेशन की तैयारी कर रहे हैं, डिफेमेशन भी फाइल किया जाएगा, क्योंकि किसी भी शख्स को क्यों फर्जी केस में फंसा करके इस तरीके से बदनामी ही नहीं बल्कि बेहद मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। उनका पूरा का पूरा परिवार पिछले कई दिनों से लगातार पटना में है और काफी मुश्किलों का सामना कर रहा है। दुर्ग सिंह के पिताजी इस वक्त हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। बिल्कुल, पहली सीढ़ी सफलता की आपने जो है वो हासिल की, जिस तरीके से फर्जी तरीके से फंसाया गया था, आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? खुशी तो निश्चित रूप में मिल रही है, क्या आप लोग इसके बाद डिफेमेशन भी फाइल करेंगे? जी जी बिल्कुल सर, अंत समय तक हम इसका संघर्ष करेंगे और सही निर्णय लेने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और दूसरा, आज जो अपने कानून ने हमारी जो मदद की, हमारे पहले भी भरोसा था कि जरूर हमारा कानून में, मैं भरोसा किया था और कानून में हमारे को अवश्य जीत का पूरा भरोसा था, सच्चाई की जीत होगी, और आज वही हुआ। न्यायपालिका ने जो निर्णय दिया इसके लिए वो बहुत बहुत हृदय से उसका आभार करता हूँ, जाहिर करता हूँ। और मैं क्या कहूँ, आज बहुत ही अच्छी बात है, ये पहला फायदा हमने पार किया है, आगे सब कुछ हम झूठा करके इसको झूठा साबित करेंगे और न्यायपालिका को करना पड़ेगा, ठीक है ना? धन्यवाद। ये थे दुर्ग सिंह के पिताजी, अगर हमारे पास वक्त हो तो मैं उनके वकील से भी बात करना चाहूंगा। आपने तो चलिए शिवपूजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और उनके पिताजी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी हैं दुर्ग सिंह, जिनको जमानत मिल गई है और ये जीत की पहले सीढ़ी जो शिवपूजन जी बता रहे थे, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है, अभी भी उस राज से पर्दा उठना बाकी है कि आखिरकार जो गुनाह दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने नहीं किया, उसके लिए दुर्ग सिंह राजपुरोहित को जेल क्यों जाना पड़ा। इस बुलेटिन में फिलहाल।